नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम बात करेंगे कि यदि हम DDH की सर्जरी नहीं करते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जब उनके बच्चे का DDH यानी कूल्हा उतरना हुआ डायग्नोज होता है जन्म से, तो उस टाइम वो मेरे से एक बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बच्ची को दर्द तो है नहीं, तो फिर हम इसका इलाज क्यों करवाएं, और अगर हम नहीं करवाते हैं तो इसमें आगे जाके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि DDH जो कंडीशन है वो दर्द रहित है, इसमें बच्चे को कभी भी दर्द नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका इलाज न करें। क्यों ना कराएं, इसके बारे में हम अभी पूरी चर्चा करेंगे। DDH जो है उसका पूरा नाम है डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ द हिप। पुराने ज़माने में इसको कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बोलते थे, और इसको हिंदी में बोलते हैं जन्म से कूल्हे का उतरना। ये जो बीमारी है ये बच्चे को इमीडिएटली पता नहीं लगती है पेरेंट्स को जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि किसी का ध्यान जाता नहीं है, बच्चा उसमें रोता नहीं है, बच्चा अपने सारे मूवमेंट करता है, तो ये मिस हो जाता है। अगर आपके बच्चे के डॉक्टर ने जन्म होते ही इसको चेक नहीं किया है तो मोस्ट लाइकली ये मिस हो जाएगा, और आपको जो फर्स्ट टाइम पता लगने लगेगा वो होगा जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि बच्चे का या तो पैर बिल्कुल मामूली सा ऊपर नीचे है, छोटा बड़ा है, या फिर बच्चे का जो कूल्हा है वो चौड़ा नहीं होता है। जैसे आप डाइपर बदल रही है मदर, तो आप नोटिस करेंगे कि एक जो है हिप वो तो पूरी तरीके से चौड़ा होता है, दूसरा जो है वो पूरा चौड़ा नहीं होता, तब एक दिमाग में आता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है कूल्हे में। तीसरा जो है पकड़ में आता है बच्चा जब चलने लगता है। जैसे ही बच्चा चलने लगता है तो आप नोटिस करते हैं कि बच्चा जो है एक तरफ लचक खा के चलता है। यदि बच्चे का राइट कूल्हा उतरा हुआ है तो राइट तरफ लचक खा के चलेगा, दर्द फिर भी नहीं होगा, बच्चा दौड़ेगा, सब काम करेगा, बस उसको चलते वक्त लचक रहेगी और पैर की साइज़ में डिफरेंस होगा। ज़्यादातर मेरे पास पेरेंट्स इसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं कि बच्चे को चलने में लचक है और पैर छोटा बड़ा है। अब ऐसे में अगर आप इलाज न करें तो क्या होगा? दोस्तों, उस टाइम पे तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा और जब वह 15 साल का हो जाएगा तो जो उसका साइज़ है पैरों का वो सिग्निफिकेंटली फ़र्क आएगा उसमें। अभी जो डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का है वो वहाँ पे जाते जाते 4, 5 या 6 सेंटीमीटर में बदल सकता है, और 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है। अगर वो उस चाल के साथ अगर बच्चे को चलाएंगे तो वो पूरी तरीके से लचक खाएगा और दूसरे वाले जो पैर है उसको झुका के चलेगा तभी वो चल पाएगा, अन्यथा वो पैर इतना छोटा हो जाएगा कि या तो वो बच्चा जो है उस साइड में बिल्कुल अंगूठे के बल आ जाएगा, उसका जो एड़ी है वो टिकेगी नहीं, अगर क्योंकि उसको अगर खड़ा रहना है तो दूसरा पैर इतना छोटा हो जाएगा कि उसको अपने पंजे पे ही खड़ा होना पड़ेगा, उसकी एड़ी नहीं टिक पाएगी। दूसरी चीज़, चलने के साथ साथ इसमें जो है बाद में कमर दर्द चालू हो जाएगा। अगर वो एक साइड में है और वो एक तरफ बार बार लचक खाएगा तो उसके एक साइड की जो कमर की मांसपेशी है उसमें दर्द चालू हो जाएगा। तीसरा जो है, बच्चा जीवन में कभी भी अलाती पलाती नहीं बैठ पाएगा। उकड़ू वो बैठ पाएगा लेकिन आलती पालती कभी नहीं मर पाएगा, वो तभी पॉसिबल है जब कूल्हा अंदर हो। अगर कूल्हा उतरा हुआ है तो बच्चा आलती पालती नहीं मार पाएगा। तथा चौथी जो आखिरी है, वो जैसे ही 35-40 साल का होगा उसके उस कूल्हे में दर्द होना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस एज रिलेटेड, और वो उसको फिर बाद में परेशान करेगा। यदि आपके बच्चे के दोनों कूल्हे उतरे हुए हैं तो और भी ज़्यादा समस्या ये है कि आपको जो है चाल तो पैर की साइज़ तो बराबर होगी क्योंकि दोनों कूल्हे उतरे हुए हैं, लेकिन जो बच्चा चलते वक्त दोनों तरफ से लचक खाएगा वो मिस होने का चांस इसलिए ज़्यादा है कि साइज़ आपको हमेशा सेम दिखेगी क्योंकि दोनों कूल्हे उतरे हुए हैं, लेकिन लचक जो है बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो दोनों तरफ से लचक खाएगा। दूसरी चीज़, वो अपनी कमर को अंदर करके चलेगा, जिसको हम लंबर लोडोसिस बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसको, और आप देखेंगे कि उसके जो कूल्हे हैं वो पीछे से निकल जाएंगे और कमर है वो आगे की तरफ हो जाएगी, और इसकी वजह से जो है बच्चे का जो शेप है बॉडी का वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, और बच्चा जब 30, 35, 40 साल का होता है तो उस टाइम पे उसके कमर में सीवियर दर्द होना चालू हो जाता है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो कूल्हे की जो उतरे हुआ है बच्चे का उसको आप डिले ना करें। यदि आपको जन्म में ही पता लग जाता है तो उसका जन्म में एक बेल्ट होता है जिसको पैवलिक हार्नेस बोलते हैं, वो लगवाएं। यदि बच्चा 6 महीने का है तो अगर आपको लग रहा है कि वो बच्चा जो है डॉक्टर ये कह रहा है कि केवल बेहोशी में बिठाने से ही कूल्हा बैठ जाएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। और तीसरा, यदि बच्चा 1 साल का है तो ओपन रिडक्शन यानी चीरा लगवा के अगर कूल्हे को सेट करना है तो वो करवाएं,
इस स्टेज में आप जितना लेट करेंगे जो सर्जरी की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, रिजल्ट्स उतने ही कॉम्प्रोमाइज़ होते जाएंगे। तो आप इस जो भी बच्चे के कूल्हे उतरने वाली बीमारी, इसको ऐसा न छोड़ें। आपको घर में जो सीनियर दादा दादी या ये लोग आपको कह सकते हैं कि ये अपने आप सही हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा। इस बीमारी को अपने आप कभी ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन या एक्सपर्ट की ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है। और हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हमने कूल्हे का इलाज किया है और वो सफल हुआ है, तो आज वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई लचक नहीं है, बच्चा सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और एकदम सामान्य बच्चों की तरह रह सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को DDH है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डायरेक्ट मालोत हॉस्पिटल जयपुर। हमारा ये हॉस्पिटल बच्चों की जो भी जन्मजात विकृतियां हैं उसके लिए बनाया गया है और यहाँ पे हर नवीनतम तकनीक द्वारा इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। धन्यवाद।